दोस्तों, एक HIV पेशेंट को CD4 बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इस टॉपिक पे आज मैंने बनाया है वीडियो। दोस्तों, HIV पेशेंट की लाइफ लाइन CD4 पे ही टिकी होती है। अगर वो CD4 बढ़ेगा तो उनकी लाइफ बढ़ेगी, CD4 घटेगा तो लाइफ घटेगी। तो CD4 मेन होता है, तो CD4 को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि CD4 ही सब कुछ है, आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है। और इस चैनल पे मैं HIV पेशेंट्स के लिए ही वीडियोज लाता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं बताऊँगा CD4 कैसे इंक्रीज रखें, क्या नहीं खाएं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्योंकि घटाएंगे नहीं तो फिर अपने पास बढ़ाने के तो सोर्स बहुत हैं। सबसे पहली बात होती है, अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे कोई भी अल्कोहल लेना, चाहे कोई भी तंबाकू का सेवन करना, गुटखा सेवन करना, तो ये सब सीधा आपको CD4 घटाने में काम में लिए जाते हैं। अगर सीधा CD4 आपके घटेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा तली फली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तो वो भी CD4 आपको घटाने में मदद करता है। ओके, अब बात करते हैं कि आप क्या करें जिनसे आपका CD4 हमेशा बना रहे, बढ़ता रहे। सबसे पहले है योगा। आपको रोज़ाना सुबह जल्दी उठ के योगा करना है, रनिंग करना है या थोड़ा वॉक करना है। इससे आपके CD4 बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद मिलती है। फिर दूसरा, अगर आप ड्राई फ्रूट खा सकते हो, रात को भिगोकर सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, 4 से 5 बादाम, 2 से 3 अखरोट, 1 से 2 सवारे, अगर आपको गर्म ना करें तो आप रोज़ाना रेगुलर बेस पे इसको आप खा सकते हो। रात को भिगोया और सुबह आपको खाली पेट हो, आराम से खाओ। ओके, दूसरा आगे चलते हैं, तो आप जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, सब हरी सब्जियाँ एक CD4 बढ़ाने के लिए HIV पेशेंट के लिए सबसे बेटर होती हैं। हरी सब्जियां खाते रहोगे तो आपके CD4 में हमेशा बढ़ोतरी होगी, साथ में आपके HIV वायरस होता है उसमें भी कमी आने में मदद मिलेगी, वायरल लोड भी आपका कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं ज़्यादा, CD4 बढ़ेगा लेकिन। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, जितने भी आप ये दालें होती हैं, जितना भी आपका मांस वगैरह होता है, मांस वगैरह पे बात करते हैं। आपको ज़्यादा हैवी मांस नहीं खाना होता है, जैसे कि आप बकरे का मांस खा रहे हो तो बकरे का मांस हैवी हो जाता है तो वो आपको दिक्कत करेगा, इसलिए ऐसी चीज़ें ना खाएं। और बाकी तो आपको पता है कौन सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये नॉर्मली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो अब रेगुलर बेस पे है, इसलिए इस वीडियो को HIV पेशेंट तक शेयर कीजिए। और कुछ कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा या नई वीडियो बना के लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।